बड़ी खबर आपको बताएंगे उत्तराखंड से ही, क्योंकि उत्तराखंड में मौसम दरअसल करवट लेने वाला है और मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि मानसून पहुंचने वाला है, तकरीबन 22 से 24 तारीख तक मानसून उत्तराखंड में पहुंच जाएगा। अलग अलग राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है और कुछ राज्यों में दस्तक देने वाला है। फिलहाल पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल के लिए अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, क्योंकि उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी कर रहा है, क्योंकि उत्तराखंड का जिक्र करता है तो पहाड़ी इलाके हैं और पहाड़ी इलाकों में हम देखते हैं कि ज्यादातर ग्लेशियर का टूटना और काफी नुकसान होना अक्सर देखने को मिलता है हर साल, क्योंकि चुनौती भरा काम होता है प्रशासन के लिए भी इन सब चीजों को संभालना, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं हैं और खासकर हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में ये स्थिति देखने को मिलती है। और उत्तराखंड की जब हम बात करें तो अगले 4 दिन काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि मानसून तकरीबन 22 तारीख को दस्तक देगा, लेकिन ये प्री मानसून की स्थिति कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। सीधा रुख एक बार फिर कर लेते हैं, ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से, धीरेन्द्र हमारे साथ। धीरेन्द्र, जब हम जिक्र करते हैं भारी बारिश का, क्योंकि 4 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने और हम देख रहे हैं कि 22 तारीख तक मानसून आने वाला है, फिलहाल ये प्री मानसून की स्थिति लगभग हर एक राज्य में देखने को मिल रही है, लेकिन जब हम पहाड़ी इलाकों का जिक्र करते हैं तो खासकर उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना रहती है। प्रशासन कितना तैयार है, क्या मौसम विभाग कहता है और लोगों की क्या कुछ स्थिति रहेगी, उसके बारे में जानकारी दीजिएगा दर्शकों को। बिल्कुल हर्ष, मैं छोटा सा संशोधन सुधार कर दूं। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने, जो देहरादून में जिसका मुख्यालय स्थित है, उन्होंने 5 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है और इस बात की घोषणा की है कि उत्तराखंड में मानसून आ गया है और मानसून ने पूरे प्रदेश को कवर कर लिया है। यह मानसून 1 सप्ताह पहले ही उत्तराखंड में आ गया है, क्योंकि 20 से 22 के बीच इस मानसून के आने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई थी, लेकिन अब ये मानसून आ गया है। और आपको बता दें कि सितंबर तक उत्तराखंड में मानसून का मौसम रहता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 5 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है और 15 और 16 को पिथौरागढ़ और बागेश्वर के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारी बारिश और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने की संभावना भी जताई है। अब बात करते हैं, चूंकि उत्तराखंड का जो भूगोल है, जिस तरह यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, हर साल मानसून में बहुत सारी आपदाएं आती है, बहुत सारे जन और धन की हानि होती है और सरकार लगातार ये दावे करती रहती है कि हमने मानसून में होने वाली घटनाओं को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन बावजूद उसके तमाम नुकसान मौसम और मानसून कर जाते हैं। तो इस बार भी सरकार के लगातार दावे हैं, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने खुद डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक ली है, समीक्षा की है और लोगों को मानसून में होने वाली दिक्कतों से, जिस तरह से सड़कें बंद हो जाती है या कोई अन्य तरह की दुर्घटनाएं होती है, उसको रोकने के पूरे इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो लगातार सप्ताह में एक बार इसकी समीक्षा भी करते रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सरकारी दावे तो अपनी जगह वैसे ही है पूर्ववत कि उनकी सारी तैयारियां पूरी है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उत्तराखंड में मौसम का कहर किस तरह का देखने का मिलता है और उस दौरान हमारी जो प्रशासनिक मशीनरी है, आपदा प्रबंधन विभाग है, वो किस तरह से अपनी तैयारियों को अंजाम देते हैं। लेकिन अब चूंकि मौसम विज्ञान केंद्र ने यह घोषणा कर दी है मानसून आ गया है, तो मैं समझता हूँ कि जो विभाग है उसको भी अब अलर्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा था पहले कि 22 तारीख तक जो मानसून होगा वो पहुंचेगा, लेकिन कई राज्यों में समय से पहले ही मानसून दस्तक दे रहा है और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपकी बातचीत मौसम वैज्ञानिक से हुई है और मानसून कहीं ना कहीं दस्तक दे चुका है, मैदानी इलाकों की तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लेकिन जब हम पहाड़ी इलाकों का जिक्र करते हैं तो खासकर किसान काफी दुखी होते हैं, क्योंकि ऐसे समय में जब प्राकृतिक आपदाएं आती है तो उनकी फसलों को तो नुकसान होता ही है, उनके घरों को भी खासा नुकसान होता है, तो क्या उसके लिए भी मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि दावा वादा तो खूब किया जाता है लेकिन हकीकत उन लोगों से ही पूछने पर पता लगती है जो वहां पर रहते हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों के लिए, चमोली है या फिर अन्य इलाकों का हम जिक्र करते हैं, उनके लिए क्या इंतजाम है, क्या आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की जा सकती है अगर ऐसी कोई आपदा आती है, क्योंकि हम पिछले दिनों देख रहे थे और जब हम इतिहास उठाकर देखते हैं उत्तराखंड का तो प्राकृतिक आपदाएं आती रही हैं और आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाती रही है ताकि लोगों को राहत दी जा सके, क्या ऐसा खाका कोई तैयार किया गया है? बिल्कुल हर्ष जी, मैं बता दूं, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जो आर्थिक सहायता दी जाती है वह तो सरकार में या हर्ष में वो लागू ही रहती है, किसी तरह की आपदा है तो उसका एक सेट फॉर्मूला है,
उसमें राज्य सरकार अपने स्तर पे क्या करेगी, लेकिन वास्तव में सरकार क्या करती है, प्रशासनिक मशीनरी किस तरह से मदद करती है, इसका एक उदाहरण आपका जो पिछले दिनों रेड़ी गांव में जिस तरह से ग्लेशियर टूटने की खबर आई थी, तो वहां के लोग आज भी प्रशासन से कुछ मदद की उम्मीद कर रहे हैं। कुछ लोगों को प्रशासन ने मदद पहुंचाई भी है, लेकिन बहुत सारे लोग, अभी कल ही हमने खबर में दिखाया कि किस तरह से वहां के लोगों का कहना है कि अभी भी प्रशासन ने उनको उस तरह की मदद नहीं पहुंचाई है जिसका कि उनको वादा किया गया था। तो निश्चित रूप से जो राज्य की जनता है वह अपने हुकूमत से, अपने प्रशासन से, अपने शासन से यह उम्मीद करती है कि ऐसे आपदा के समय में वो उनके आंसू पोंछेंगे, कोई फॉल्स वादे नहीं करेंगे, कोई झूठे वादे नहीं करेंगे, और उनको जब जरूरत होगी तो उनके साथ खड़े रहेंगे। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का जिस तरह का स्वभाव है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं बहुत एक्टिव होकर के, हम आशा कर सकते हैं कि आने वाले समय में अगर भगवान ने करे इस तरह की कोई आपदा आती है, राज्य में इस तरह की कहीं कोई घटना दुर्घटना होती है, तो जरूर सरकार उनके साथ खड़ी होगी, उनके आंसू पोंछते हुए दिखाई।